नमस्कार। भाई जो लोग अभी इस काउंसलिंग को पहली बार महसूस कर रहे हैं, मैं जी पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, आप हमेशा देखोगे कि शायद पूरे हिंदुस्तान में एक एमसीसी काउंसलिंग करता है और हर स्टेट कराता है। राउंड वन के बाद राउंड टू हर जगह गिरता है, सिर्फ एक स्टेट उत्तर प्रदेश के अलावा। तो लोगों को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने दो के बारे में सुना, आपको यह पता है कि राउंड टू के बाद राउंड टू गिरता है, लेकिन राउंड थ्री हमेशा कभी कभार ऊपर चला जाता है, कभी कभार नीचे और गिरता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो मैं समझा देता हूँ, अपने क्लाइंट्स को ना कई बार समझाता हूँ और शायद ये वीडियो में अपने क्लाइंट्स को भी भेजूंगा ताकि वो बार बार सेम सवाल मुझसे ना पूछें। देखिए, राउंड वन तो मैं बार बार कहता हूँ मजाक होता है हिंदुस्तान में, बिकॉज ऑफ दिस फंडा कॉल्ड फ्री एग्जिट। फ्री एग्जिट का मतलब ये है कि डीम्ड एमसीजी काउंसलिंग के लिए आपने 11,000 दिए सरकारी, सिर्फ सरकारी के लिए, प्राइवेट के लिए डीम्ड के लिए 2,05,000 रुपये दिए। स्टेट्स में कहीं 500, कहीं 800, कहीं 1,000 रुपये लिए जाते हैं। लोग भर देते हैं, भरने के बाद फॉर्म भर देते हैं, खासकर जिनको प्राइवेट कॉलेज में बिल्कुल भी मन नहीं होता, वो भी प्राइवेट कॉलेज ऑप्शंस भर देते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि आपको एलोकेट हो गया, आपने नहीं लिया तो आपको कोई नुकसान नहीं है। और यही सबसे बड़ा फैक्टर है, यही दुखदायी फैक्टर है जो बाद में हमें तंग करता है, क्योंकि हमने दोनों चीजों को इकट्ठे देखा। तो हमने देखा भाई राउंड वन तो फ्री एग्जिट है, भर दो। सिर्फ एक स्टेट है जो राउंड वन फ्री एग्जिट नहीं है, वो है उत्तर प्रदेश, जिसमें 2,00,000 का डिपॉजिट पहले लिया जाता है और राउंड वन में सीट मिलने पर अगर आप नहीं लेते तो आपके पैसे खराब। तो सिर्फ उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग राउंड वन की सीरियसनेस से होती है, मतलब जो वो फॉर्म वही भरेगा, ऑप्शंस वही भरेगा फॉर्म के अंदर भी जिसको सीट लेनी है। तो मैं कहना बाकी जगह क्या होता है, सर भरी देते हैं, मेरे क्लाइंट भी कहते हैं, मैं समझा समझा के थक जाता हूँ, शायद ये वीडियो उनको भी हेल्प करेगा। उत्तर प्रदेश में 30 प्राइवेट कॉलेज हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि आपकी पसंद के कौन से हैं, 8, 9, 10, नहीं सर बाकी 10 भी भर लेते हैं, क्या दिक्कत है? क्योंकि सेम चीजें दूसरे काउंसलर कह रहे हैं कि सारे भर दिया करो, हरियाणा में सारे भर दो, राजस्थान में सारे भर दो राउंड वन में। तो मैं कहता हूँ सर आपको 16वें नंबर का कॉलेज मिल गया जो आपकी फर्स्ट चॉइस नहीं है, आप कंप्रोमाइज कर रहे हो। उसके बाद अभी तो बाकी स्टेट्स के रिजल्ट आने हैं, स्टेट्स के राउंड टू होने, डीम्ड का राउंड टू होने अब फॉर दैट मैटर, तो आप जबरदस्ती क्यों भर रहे हो? अगर ये कॉलेज मिल गया, आपको लेना तो है नहीं। और इसे मैं हमेशा वीडियोस बनाता हूँ, लास्ट ईयर का मेरा देखोगे, मैं उन लोगों पर हैरान होता हूँ जो कॉलेज भर देते हैं 16वें नंबर का, समझ लीजिए मैं नाम नहीं लूंगा, सीट मिल जाती है, फिर मन नहीं करता जाने का, 2,00,000 रुपये खराब हो जाते हैं। अरे तो जब चॉइस फिलिंग शुरू हो रही है तो वो ऑप्शन क्यों भर रहे हो उत्तर प्रदेश में? राउंड वन में सिर्फ वो कॉलेज भरो जो दिल से आप लेना चाहते हो, जिसको मिलकर आपको खुशी होगी, क्योंकि रिजल्ट तो सारे इकट्ठे चल रहे हैं, तो वो बड़ी आसानी से हो जाता है। तो लोग ना भाई काउंसलर को 40-50,000 रुपये फीस देने को तैयार नहीं है, उत्तर प्रदेश का 2,00,000 का डीडी का रिश्ते ले लेते हैं। तो हर साल ही कम से कम ना ये हरकत 1,500-2,000 बच्चे करते हैं, और मैं हैरान होता हूँ कि इन 2,000 बच्चों के पास क्या कोई हमारी तरह काउंसलर नहीं था? मतलब काउंसलर के 40,000 की फीस देने में 40 बार सोचा, लेकिन 2,00,000 का डीडी देके वो सीट छोड़ दी। और ये बहुत होता है, मतलब मैं देखता हूँ लोग डीम्ड में सीट अलोकेट कराते हैं, राउंड टू में नहीं लेते 2,00,000 का नुकसान, स्टेट्स में राउंड टू में सीट अलोकेट कराते हैं नहीं लेते 1,00,000 रुपये का नुकसान। तो क्या आपको मालूम नहीं है, मतलब कि और फिर कहते हैं जी हमने काउंसलर नहीं करा था, हम तो खुद भर रहे थे। तो खुद भर के 1,00,000-2,00,000 का नुकसान कर लेते हैं, लेकिन काउंसलर को 50,000 नहीं देते। अभी भी सलाह दे रहा हूँ जिन लोगों ने काउंसलर नहीं लिया, हमें लो किसी और अच्छे को लो, लेकिन ये 1,00,000-2,00,000 ज़्यादा होते हैं 40-50,000 की फीस देने की, हम आपके यही पैसे बचाते हैं। कमिंग बैक टू दिस वीडियो कॉन्सेप्ट, तो उत्तर प्रदेश में इसलिए राउंड वन में जो एडमिशन होने हैं 70% उत्तर प्रदेश में एडमिशन राउंड वन में होते हैं, बाकी पूरी इंडिया में बल्कि 20% होते हैं बिकॉज ऑफ फ्री एग्जिट। अब फिर राउंड टू आता है, तो बाकी जगह तो फ्री एग्जिट था, अब डिपॉजिट देके सीरियस लोग आएंगे, वही फॉर्म भरेंगे, तो इसलिए कट ऑफ नीचे आती है कि जो मजाक करने वाले थे वो बाहर हो गए। उत्तर प्रदेश में उल्टा होगा, राउंड टू में फ्रेश रजिस्ट्रेशन होती है और वो लोग आते हैं जो आप घबरा रहे हैं, मतलब कि डीम्ड राउंड वन नहीं मिला, डीम्ड राउंड टू नहीं मिला, मन का बाकी स्टेट्स का राउंड वन नहीं मिला, तो वो यूपी में कहते हैं री एंटर करते हैं, री एंटर मतलब कि उन्होंने राउंड वन में यूपी शायद भरा ही नहीं था, या भाई सिर्फ 8 कॉलेज भरे थे, अब उनको लग गया, हमने सलाह दी थी कि भाई अब तुम्हें डीम्ड में राउंड टू में नहीं मिल रहा, हमने सारे स्टेट्स इकट्ठे भरे हैं, अब हर जगह डिपॉजिट तो देना ही है। तो लोग कहते हैं सर ठीक है, अब या तो मुझे ये मिल जाता नहीं तो यूपी का मैं 12वां लूंगा। तो वो 500 नंबर वाला अब एक तरह से चॉइस में दोबारा एंटर कर जाता है, नंबर 12 के लिए, नंबर 14 के लिए, मैं चॉइस की बात कर रहा हूँ। तो यूपी का राउंड टू में अक्सर आप देखोगे ऊपर चलाती है कट ऑफ। तो मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ जो यूपी का फॉर्म भर रहे हैं कि राउंड वन का फॉर्म ये सोच के भरिए कि आपको सीट लेनी है,
या पहले 8 लीजिए जो मैंने कहा, या अपने स्कोर मार्जिन वाले, समझो 300 मार्क्स हैं, आपको पता है कि डीव्ड में तो भाई इससे सस्ता मिलेगा नहीं, दूसरे स्टेट्स में आपको मालूम है कि आपको कौन से कॉलेज मिलेंगे, तो फिर आप यूपी में आपको कॉम्प्रोमाइज करके नंबर 14 लेना है तो राउंड वन में ही ले लो, क्योंकि पता चले राउंड वन में नंबर 14 प्रेफरेंस नहीं मिली, नंबर 22 लेनी पड़ गई, तो ये लॉजिक होता है यूपी का। अब राउंड टू खत्म हो गया, मॉपअप पे देखिए फिर से भाई होता है, कुछ लोग होते हैं क्यों मॉपअप की कट ऑफ कई जगह बढ़ती है कि वो लोग जो अभी तक प्राइवेट नहीं ले रहे थे तो 530 नंबर वाला, उसको किसी काउंसलर ने कह दिया कि तुझे तो सरकारी दिला देंगे राउंड टू तक, या उसको वो झांसा दे दिया, तो राउंड थ्री तक आता है उसको समझ में आ जाती है कि मेरा कुछ नहीं होने वाला, तो फिर वो लोग रजिस्ट्रेशन करके आते हैं और हाई स्कोर वाले, और इसलिए वो कट ऑफ को वापस ऊपर ले जाते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज में जहां पर ऐसे बच्चे आ गए, और ऐसे बच्चे नहीं है तो जो एक लॉजिक है वो तो ये है कि 1, 2, 3 लगातार नीचे जाना चाहिए, पर मैं कह रहा हूं कि 1 और 2 तो आप देखोगे हमेशा नीचे जाता है अदर देन यूपी, 2 के बाद 3 कहीं कॉलेज ऊपर कॉलेज नीचे, मैं ऐसे बोलूंगा, उसमें ट्रेंड फिक्स नहीं है कि यूपी सारा ऊपर जाएगा या हरियाणा सारा ऊपर जाएगा या पंजाब सारा ऊपर जाएगा, विद इन कॉलेजेस की डिफ्रेंशिएशन शुरू होती है क्योंकि फ्रेश रजिस्ट्रेशन होती है, अक्सर ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन वो बच्चे होते हैं जो राउंड टू तक सरकारी के ख्वाब में बैठे होते हैं, जबकि उनके मार्क्स से उनको अक्सर पता होना चाहिए कि उन्हें सरकारी नहीं मिल सकता, लेकिन सरकारी और प्राइवेट में ना बहुत अच्छा कट ऑफ है, सरकारी हमें पता है कि 580 590 600 नंबर है अदर देन हिमाचल, और प्राइवेट 550 के नीचे है तो वो कट ऑफ काफी क्लियर है, बट जैसे मैंने कहा कि अभी राउंड टू तक बंदा सरकारी देख रहा था कर्नाटका वाला 580 575 वाला, फिर वो सोचता मैं कर्नाटका की 11 लाख वाली फीस ले लूं या मैं केरला की ले लूं छत्तीसगढ़ की ले लूं, तो ऐसे बच्चे आगे कट ऑफ को ऊपर ले जाते हैं, तो ये लॉजिक है कि क्यों राउंड वन से राउंड टू कट ऑफ हमेशा नीचे जाती है अदर देन यूपी, और क्यों यूपी की राउंड वन कट ऑफ से राउंड टू कट ऑफ ऊपर जाती है, और उसके बाद राउंड टू से राउंड थ्री जिगजैग है, कुछ कॉलेज ऊपर कोई कॉलेज नीचे, तो ये है कट ऑफ के बढ़ने घटने का खेल। बार बार रिपीट करता हूँ, ऑप्टीमल सीट चाहिए, हायर अ गुड काउंसलर, आपके डिपॉजिट भी बचते हैं 1-2 लाख रुपए के, वो ज्यादा जरूरी है बजाय 40-50 हजार रुपए की 70 हजार की किसी को फीस देना अच्छे काउंसलर को। हमसे जुड़ना चाहते हो 9643362320 पे कॉल कीजिए, हमारा ऑल इंडिया टोल फ्री नंबर है, 5-10 सेकंड में फोन उठा लिया जाता है, तो घबराइएगा मत, और जो लोग हमारे क्लाइंट बन जाते हैं वो फिर मेरे साथ पर्सनल टच में जाते हैं और उनको मेरा पर्सनल नंबर मिल जाता है, हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, राइट। तो ये जो नंबर है देखिए बहुत लोग फोन करते हैं ये उनके लिए है, मुझसे बात में हमेशा कहता हूँ मुझसे बात है मुझसे डील फ्यूचर में, एक बार जब मुझसे बात कर लेते हैं और आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं देन यू ऑलवेज टॉक टू मी डायरेक्टली ऑन व्हाट्सएप ऑन फोन एवरीवेयर डायरेक्टली, तो जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं वो डायरेक्ट बात करते हैं, तो ये मैं सोचेगा कि वो टोल फ्री नंबर है हमेशा हमें सर को ढूंढना पड़ेगा, टोल फ्री नंबर सिर्फ पहली कॉल के लिए है, और जो भी हमारे पेड क्लाइंट्स हैं उनको फिर हमेशा मुझसे डायरेक्टली डील करते हैं। ओके, सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।